नमस्कार दोस्तों, वीवो V27 सीरीज इंडिया में लॉन्च होने वाला है और ये सीरीज लॉन्च होगा फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर। तो अभी वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो V27 प्रो के बारे में और जानेंगे इंडिया प्राइसिंग क्या हो सकता है इसके बारे में भी। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे इंडिया देखिए, तभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। दोस्तों वीवो V27 सीरीज इंडिया में लॉन्च होने वाला है और इस सीरीज के अंदर दो फोन लॉन्च होगा। पहला है वीवो V27, फिर वीवो V27 प्रो। दोनों फोन 5G फोन है और दोनों के बारे में मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता रखा हूँ। अभी हम बात करेंगे वीवो V27 प्रो के बारे में, बिकॉज इस फोन का स्पेसिफिकेशन काफी तगड़ा है और लुक एंड डिजाइन भी काफी अच्छा है, आप यहाँ पर देख पाओगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, इसका फर्स्ट लुक देखने में काफी इम्प्रेसिव है और ये भी फोन कलर को चेंज करता है और इस फोन का जो भी कलर या फिर ब्रांड है वो सारा निकल के आ चुका है, आप यहाँ पर देख पाओगे। देखिये वीवो V27 प्रो है, इसमें जो दिया गया है फ्लैश लाइट, यह है रिंग टाइप में जो कि आप यहां पर देख पाओगे और देखने में काफी यूनिक सा लग रहा है। और ये फोन काफी स्लिम है और इस फोन का बेजल्स भी काफी पतला है और इस बार ये फोन आता है सेंटर टिनी पंच होल के साथ और कैमरा स्पेसिफिकेशन वगैरह भी काफी अच्छा दिया गया है वीवो V27 प्रो में। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन के बारे में, उसके बाद बात करेंगे कि वीवो V27 प्रो है इसका प्राइसिंग क्या हो सकता है। देखिए वीवो V27 प्रो है, इस फोन में आपको देखने को मिलेगा 6.78 इंच का फुल HD प्लस कर्व AMOLED डिस्प्ले और इस डिस्प्ले में होने वाला है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और काफी अच्छा खासा टच सैंपलिंग रेट भी होने वाला है। HDR10 प्लस को सपोर्ट करता है, 1000 nits पीक ब्राइटनेस के साथ आने वाला है, मतलब हर एक एंगल से यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो काफी अच्छे क्वालिटी का दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें प्रोसेसर के बारे में तो वीवो V27 प्रो है, इसमें आपको देखने को मिलेगा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8200 जो कि आने वाला है LPDDR5 रैम के साथ और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ और इसका पहला ब्रांड होगा 8GB 128GB का और ये फोन आने वाला है 8GB वर्चुअल रैम के साथ। अगर हम बात करें कैमरा सेटअप के बारे में तो वीवो V27 प्रो है, इसमें आपको देखने को मिलेगा पीछे साइड से AR ट्रिपल कैमरा जहां पर 50MP का मेन कैमरा है जो कि आता है OIS के साथ और यहां पे सोनी का सेंसर यूज किया गया है। उसके बाद है 8MP का अल्ट्रा वाइड, फिर है 2MP का माइक्रो कैमरा और फ्रंट में दिया गया है 50MP का सेल्फी कैमरा जो कि आएगा सेंटर टिनी पंच होल के साथ, मतलब ओवरऑल यहाँ पर जो कैमरा का सेटअप है वो काफी अच्छा है। उसके बाद वीवो V27 प्रो है, इसमें आपको देखने को मिलेगा 4600mAh का बैटरी जो कि आने वाला है 66W चार्ज सपोर्ट के साथ और ये चार्जर बॉक्स में दिया जाएगा। अगर हम बात करें कुछ अदर स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इस फोन में हेडफोन जैक नहीं होने वाला है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होगा, डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ आने वाला है, एंड्रॉयड 13 पर रन करता हुआ दिखेगा जो कि बेस्ड होने वाला है फ्रंट टच OS 13 पर और वीवो V27 प्रो इसका एक ब्रांड कलर चेंजिंग के साथ भी आने वाला है जो कि आप यहाँ पर देख पाओगे। तो आपने वीवो V27 प्रो का फुल स्पेसिफिकेशन जान लिया और इस फोन का जो भी फर्स्ट लुक वगैरह है आप यहां पर देख पाओगे। ये फोन काफी स्लिम है और स्पेसिफिकेशन काफी जबरदस्त है। अगर हम बात करें इंडिया लॉन्च डेट और प्राइसिंग के बारे में तो ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर। वैसे इंडिया में लॉन्च होने वाला वीवो V27 सीरीज और ये सीरीज फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पे लॉन्च होने वाला है 1 मार्च को 12 PM में। अगर हम बात करें वीवो V27 प्रो के प्राइसिंग के बारे में तो इसका पहला ब्रांड होगा 8GB 128GB का और इसका प्राइसिंग होने वाला है अंडर 40,000, मतलब 39,999 रुपए इसी प्राइसिंग में आने वाला है वीवो V27 प्रो का पहला ब्रांड। ये प्राइसिंग बॉक्स पे मेंशन किया होगा, आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा, डिस्काउंट वगैरह करने के बाद आपको ये फोन मिल सकता है अंडर 35K में। तो आपको वीवो V27 प्रो का प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हो। धन्यवाद।